बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, सेकंड टाइम पेपर जो इंग्लिश 10th क्लास का लाहौर बोर्ड का हुआ, ये मैं आपके सामने पेश खिदमत कर रहा हूँ जनाब। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जनाब। फर्स्ट एमसीक्यूज है, आई शैल सी हिम नेक्स्ट मंडे। तो आई शैल सी, मैं अगले मंडे से मिलूंगा, आई शैल सी लगेगा। डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, याद रखिएगा। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सी सही है। She has been sleeping since morning. Has been sleeping. B option तीसरे का। He left 20 minutes ago. चौथे का A option सही है। और पांचवा, She is speaking English now. इसके साथ now के साथ ing वाली form। छठे MCQ की जाने बढ़ते हैं जनाब। पांचवा A था, छठा है जी broadcast, C broadcast का जी। तो D option सही है। इसने ये टिक मारा सा, गलत लगा वो माजरा से। D broadcast, D option is correct option। और आगे चलते हैं हम जनाब सातवें का। सातवां है एकेडमिक, एकेडमिक में ए ही सही है, ए सी ए डी ई एम आई सी। आठवें एमसीक्यू की जाने बढ़ते हैं। आठवें में है जनाब सिंबलाइज, ये सी सही है, एस वाई एम बी यू एल आई जी ई। और नौवें एमसीक्यूज है जनाब इंटरसीट, डी स्पेलिंग सही है, आई एन टी ई आर सी ई डी ई। बड़ा ये हम और निहायत रिव्यू से आया। आगे चलते हैं जनाब, दसवें एमसीक्यूज है जी, द एंटोनम माइटी इज वीक, सी ऑप्शन सही है। और ग्यारहवें का जी, द सिनोनिम ऑफ करंट इज अप टू डेट, सी ऑप्शन सही है। द सिनोनिम ऑफ कल्प्रिट अफेंडर, ए ऑप्शन सही है। और द सिनोनिम ऑफ इक्विटेबल मीन रीजनेबल, बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। आगे 14 एमसीक्यूज है जी, द लास्ट कपल ऑफ ईयर हैव बीन अ लॉन्ग बंपी राइड, हार्ड एंड चैलेंजिंग टाइम, बी इज करेक्ट आंसर। दे कम द मैन कंप्लेंड, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है जी, द बी ऑप्शन सही। आगे चलते हैं जनाब 16, आई एम गोइंग ऑन हॉलीडे टुमारो, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सी ऑप्शन। 17 पे है एवरीबडी इंडेफिनेट प्रोनाउन है जनाब, डी ऑप्शन सही है। वी पोस्टपोन हैविंग, यहाँ पे जनाब जिरंड भी है और पार्टिसिपल नहीं है, तो जिरंड ही ठीक है, ए ऑप्शन जिरंड। और आगे चलते हैं जनाब, दे रिकमेंडेड हिम द जस्टिस, जस्टिस है जी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव पेपर था। सब्जेक्टिव पेपर की जाने बढ़ते हैं जनाब हम, तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। ये आपका सब्जेक्टिव पेपर रहा, इसमें जनाब ये सेकंड टाइम का क्वेश्चन पेपर है। विच कलर इज इनकरेज इन चाइनीज न्यू ईयर, हाउ डिड द रसूल सल्लम सेट हायर नोबल आइडियल, ये सारे क्वेश्चन आंसर आप देख लीजिएगा। पैराग्राफ लिटरेचर इज द स्टोरी ऑफ ह्यूमंस, ये पैराग्राफ निहायत अहम और आसान सा। आगे चलते हैं जनाब, समरी इस दफा कौन सी आई थी जी, पीस की, फर्स्ट टाइम ट्राई अगेन थी और अब पीस आ गई जनाब। नेक्स्ट जनाब, एसेज हेल्थ, बड़ा ही अहम था ये आ गया। माई फेवरेट बुक, और वैसे ये सी वाला अननोन सा है कोई। आगे जी, विजिट टू जू पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ आपके सामने डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी निहायत आसान से हैं, उन्हीं कंपोजिशन की बुक से ही सारे के सारे आए हुए हैं। और पैरा वर्ड्स भी बड़े ही आसान। और लास्ट पैराग्राफ जो है, दूध एक मुकम्मल गिजार, निहायत अहम और बिल्कुल अकॉर्डिंग टू माई गैस। तो ये जनाब आपका पेपर था, बड़ा ही आसान सा और बिल्कुल मेरे गैस के मुताबिक। तो बेस्ट ऑफ लक, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपका पेपर कैसा हुआ। लाइक कीजिएगा वीडियो, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं बाकी तमाम पेपर्स। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपका हमीद नासिर हो जी। अल्लाह हाफिज़।